टीचिंग पोटेंशियल मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ बीएड एंट्रेंस टेस्ट इन एनी स्टेट, इसमें सेट टू है, सेट वन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, सिलेबस इसका मोस्टली ये होता है, सिलेबस नहीं रीड करूंगा, ये यूनिट हैं, तो हर यूनिट में से क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्वेश्चन इसी ऑर्डर में नहीं होंगे, क्वेश्चन का ऑर्डर वेरी करेगा क्योंकि आपका सेट ए बी सी डी आता है, वहां भी ये वेरी करता है। तो फर्स्ट पहला ऑप्शन है दिन के दौरान बच्चों की देखभाल करना, बड़ा छोटा मंतव है, शिक्षकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, वन साइडेड है, रोजगार के लिए हम स्कूल नहीं खोल रहे, सिर्फ बच्चों की दिन में देखभाल के लिए नहीं कर रहे, एक सुविज्ञ एंड शिक्षित नागरिक वर्ग का निर्माण करना, अब थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, जो निर्माण अपने आप में है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, और नागरिक सिटीजनशिप इंग्लिश में होगा एजुकेटेड सिटीजनशिप, वैसे इस वर्ड ने ही गाइड कर दिया है कि राइट आंसर यही होगा, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देख लेनी चाहिए, टू इन्फोर्स डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट। अब ये देखिए इनमें से बेस्ट जो है दो ऑप्शन ये बन रही हैं, मोस्टली जो कैंडिडेट है इनमें से चूज करेंगे, डिसिप्लिन जरूरी है लेकिन डिसिप्लिन सब कुछ नहीं है, एजुकेटेड सिटीजन में सिटीजनशिप क्या है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी मोरालिटी के रूल्स है उनको फॉलो करना है, तो डिसिप्लिन इनमें शामिल है, बेस्ट आंसर है टू क्रिएट ए वेल इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन। स्कूल के निर्माण में पीटीएम की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ पीटीए इन डिसीजन मेकिंग, स्कूल डिसीजन मेकिंग, पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, इट मींस पेरेंट्स और टीचर मिलते हैं और कुछ डिसाइड करते हैं, तो इससे साफ जाहिर है इसमें ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे की जो प्रॉब्लम है वही डिस्कस होती है, लार्जली इसका पार्ट है और सजेशन भी लिए जाते हैं, यहाँ पर पीटीए हैज नो रोल, वीकेस्ट सबसे कमजोर हो गया ये, पीटीए हैज फाइनल, देखिए दोनों एब्सोल्यूट हैं, जो ऑप्शन एब्सोल्यूट है एक्सेस में जा रही है, ये एक्सेस है कि कोई रोल नहीं है जीरो हो गया, और ये है कि 100% फाइनल हो गया, दोनों एक्सेस में गई, दोनों एक्सेसिव स्टेटमेंट जो है, एक्सेसिव स्टेटमेंट जनरली नॉर्मली रॉन्ग ही होती है, पीटीए प्रोवाइड्स इनपुट एंड सजेशन टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बन रही है बात, स्कूल के सभी निर्णयों में पीटीए का अंतिम डिसीजन नहीं, पीटीएम स्कूल प्रशासन को इनपुट और सुझाव प्रदान करता है, द मोस्ट साइंटिफिक टर्म इज हियर सजेशंस, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मिलके जो बेटर डिसीजन है वो सजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आ जाता है, मान लीजिए हेड है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, वो आ जाते हैं, तो वो उन सुझावों को कंसिडर करके पॉलिसी को बेटर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अभी तक ये बेस्ट चल रही है, पीटीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्कूल, नहीं पीटीए नहीं रिस्पॉन्सिबल, हेड्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन वो रिस्पॉन्सिबल है, तो बेस्ट आंसर बन रहा है ये, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कूल करिकुलम, फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर टीचर्स, अगर तो ये बेस्ट आंसर वाला क्वेश्चन होता, चार ऑप्शन है एक बेस्ट निकालना है, तो क्योंकि सिर्फ ये एक एस्पेक्ट को टीचर को लेके चल रहा है तो मैं रिजेक्ट कर देना था, जहां क्वेश्चन मार्क डालना था, जहां वीक ऑप्शन इसको लिखना रखना था, ऐसे डाउनवर्ड एरो लगा लेना हो कि ये वीक ऑप्शन है, है ना, लेकिन इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क क्यों, मैं यहां फंसा क्यों हूं, क्योंकि गाइडलाइंस प्रोवाइड करना टीचर्स को करिकुलम का एक पार्ट है, यहां पार्ट लिख दिया। दूसरा ऑप्शन है, अब ये देखना है कि ये बेस्ट है, क्योंकि ये एबीसीडी बेस्ट वाला नहीं आ रहा, ये इनमें से ऑप्शन चूज करनी है, तो ये मेरा राइट की तरफ जा रहा है, टू सेकेंड है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन, तो यूनिफॉर्मिटी अगर क्रिटिकली इसको देखना है तो आपको करिकुलम को सिलेबस से कंपेयर करना पड़ेगा, मैं अभी करवा देता हूं, यूनिफॉर्मिटी यस है, क्योंकि सिलेबस करिकुलम का पार्ट है और सिलेबस यूनिफॉर्म होता है,
आप ये देखिए कि सीबीएसई का सिलेबस है वो यूनिफॉर्मिटी उसमें है, सिलेबस में जो करिकुलम है उसका, करिकुलम ट्रांजैक्शन खास करके है, वो वेरिएशन हो सकती है। ये वैसे यूजीसी लेवल का क्वेश्चन है। तो टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये अगर इनमें से बेस्ट चूज करना है, एक दो तीन, इतने ज्यादा टिक लगा रहा हूं तो इसको एक टिक लगा रहा हूं क्योंकि एक एस्पेक्ट इसमें है। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ये भी एक टिक लग रहा है, अगर इनमें से बेस्ट है ये चूज करूंगा। अब इन्होंने पूछा है ए बी राइट आंसर है, ए बी राइट आंसर है, ए सी राइट आंसर है, ए सी राइट आंसर है, बी सी है, बी सी है, ए बी सी है, तो नेचुरली है मैं तीनों को प्रेफर करूंगा, ए बी सी, क्योंकि ये तीनों ही काम करिकुलम के हैं। थोड़ा सा ये बता दूं कि इनमें डिफरेंस क्या है करिकुलम और सिलेबस में। तीन सिर्फ एस्पेक्ट मोटे मोटे बताऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिर्फ यही नहीं करना। तो ये है करिकुलम यूनिफॉर्म होता है, सिलेबस यूनिफॉर्म होता है। ओके, तो करिकुलम एक्चुअली करिकुलम जो है उसका संबंध है कि आपने एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी सब कुछ कैसे करवाना है, वो टीचर जैसे ट्रांजैक्शन करवाता है उस पर निर्भर है। एक स्कूल और दूसरे स्कूल में इसकी यूनिफॉर्मिटी एक्चुअली नहीं होती, ये वेरिएशन होती है। अच्छा, होल एंड पार्ट, ये होल है और ये सिलेबस उसका पार्ट है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये इजी समझ आ जाएगा, ये थ्योरी है, सिलेबस थ्योरी है और ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हैं। ये मोटा मोटा डिफरेंस है करिकुलम और सिलेबस में। करिकुलम की एवेल्युएशन होगी, इसकी एग्जामिनेशन होगा, ये स्ट्रेसफुल होगा, ये स्ट्रेसफुल कम हो सकता है, बहुत से डिफरेंस है, अभी यहां नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंशिएटेड लर्निंग। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है, विभेदित शिक्षा क्या है। तो अगर आपको मान लीजिए इसका कंसेप्ट पता नहीं है तो आप इस पर फोकस कर लीजिए, डिफरेंशिएटेड, जो एक बच्चे और दूसरे बच्चे में कुछ डिफरेंस जैसी बात करेगा, ऐसे ऐसे मोटा मोटा, विभेदित शिक्षा। तो शिक्षा तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है ना, एजुकेशन या लर्निंग जो है, यहां पर शिक्षा है, यहां लर्निंग है, लर्निंग वैसे नेगेटिव हो सकती है, एजुकेशन पॉजिटिव होती है। तो इट मींस कि ऐसे डिफरेंस की बात कर रहा है जो कि पॉजिटिव होंगे, बच्चे को फायदा होगा। तो ये क्या है, ए टीचिंग लर्निंग मेथड टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड, इस यहां पर पढ़ लेते हैं, एक शिक्षक पद्धति जो व्यक्तिगत छात्र की जरूरतों के अनुसार निर्देश तैयार करती है। निर्देश अगर इंस्ट्रक्शन नहीं समझ आता, वहां पर क्वेश्चन आएंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब आपने टीचिंग ही ले लेना है, टीचिंग, अगर और भी नहीं समझ आता तो इंस्ट्रक्शन का मतलब वहां पर जाके समझाऊं, ये यहां चलते हैं, यहां जाके, यहां पर इंस्ट्रक्शन का मतलब आपने मोटा मोटा क्या लेना है, ये रहे आपके टीचर साहबान और ये रहे आप, और नॉर्मली इंस्ट्रक्शन जो है इंडिया में कंसेप्ट जो है वन वे प्रोसेस है, ये इनको कुछ बता रहे हैं, सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहाँ बोर्ड हो सकता है, इस बोर्ड पर जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ, है ना, तो आप देख रहे हो, तो दिस इज अ वन वे प्रोसेस बनती है, टीचिंग टू वे प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को टीचिंग ही समझिए, क्योंकि फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनमें इंस्ट्रक्शन शब्द यूज किया जाता है टीचिंग के लिए। तो आगे चलते हैं, ये इसमें डिफरेंस वाला क्या था वो देख लें एक बार, कि ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स है ना, तो ये बेस्ट बन रहा है। इट मींस लग रहा है कि विभेदिंग, एक बच्चे की नीड और दूसरे बच्चे की नीड में डिफरेंस है, तो मैं ऐसा लेसन प्लान तैयार करूं कि इसकी नीड जो डिफरेंस है इससे वो लेसन प्लान से दोनों को अलग अलग से लर्न हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे को ईशान लगा लेते हैं, ये ईशान है, ईशान है, तो इसकी रीडिंग पुअर है, तो मैं रीडिंग पुअर है तो मैंने इसको ओरल वे दे दिया कि बेटा आपने दो बच्चे को ग्रुप बनाए हैं, आपने ओरल वे से या ऑडिटरी से या ऑडियो रिकॉर्डिंग से इससे आपने लर्न करना है, जो मैं इनको मैटर दे रहा हूं वो रिटन दे रहा हूं,
और इसको मैटर में ऑडिटरी फॉर्म में दे रहा हूं। तो ऐसे डिफरेंशिएटेड लर्निंग जो है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंगली लेसन प्लान तैयार करना है और टीच करना है कि हर बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट विभेदित है ना डिफरेंट नीड्स जो है पूरी हो जाए। द सेंट्रल आइडिया इसको हमेशा पहचानने का। अच्छा, ये हमेशा बेस्ट आंसर होगा, अगर ये भी आता है बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस पर बेस्ड है, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट है और बच्चे को अच्छा और सेटिस्फाई अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ाने के लिए है। तो नीड्स, स्टूडेंट्स नीड्स इज बेस्ट टैग वर्ड इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। अगली ऑप्शन देख ले कहीं बेटर तो नहीं है। टीचिंग एंटायरली डिफरेंट कंटेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट एबिलिटीज, एंटायरली वर्ड जो है वो एक्सेसिव टर्म है। इस पर मैंने शक किया और इस पर शक करके इसको वीक मान रहा हूं, या मैंने एरर लगा दिया, वीक बन रहा है। अच्छा, फोकसिंग ऑन वन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, ये भी एक्सेसिव वन साइडेड हो गया। वन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच फॉर ऑल स्टूडेंट, ये तो वीकेस्ट है, कभी भी नहीं करना। सभी बच्चों को एक ही मेथड से पढ़ाना, फॉर एग्जाम्पल तीन बच्चे ईशान जैसे हैं, दो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप है, दो बच्चों को दिखाई कम देता है, तो मैं सभी के लिए सेम अप्रोच कैसे यूज कर सकता हूं? तो दिस इज मोस्ट रिजेक्टेड ऑप्शन। अगर आपको कंसेप्ट नहीं किए क्लियर तो भी आप ऐसे ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। टीचिंग ओनली, ये देख, अगर ओनली आ गया तो एकदम शक करना है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग होने की सबसे ज्यादा है उसमें। तो स्टूडेंट विद हाई एबिलिटी, देखो भी मैं हाई आईक्यू, हाई क्रिएटिव, गिफ्टेड बच्चों को पढ़ाना है, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाना, पढ़ाना है, तो ये रिजेक्ट हो गए। बेस्ट आंसर वही है जो ए था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है, थोड़ा आगे चल के तेजी तेजी कर लेंगे। अच्छा, मिश्रित शिक्षा क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग न्यू कंसेप्ट है, आ रहे हैं बीएड में तो आपने पढ़ना ही है, उससे पहले भी देख लीजिए ब्लेंड। अच्छा, यहां नहीं पता लगा, मेरी इंग्लिश वीक थी, तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, मैंने क्या किया, मिश्रित यहां से पढ़ लिया। मिश्रित क्या होता है, मैंने साइंस में पढ़ा था कि जो चीजें एक और दूसरे में मिक्स कर दी जाए, वैसे वहां है कंपाउंड और वो मिश्रित जो है अलग नहीं होती, तो यहां इट मीन्स दो कम से कम चीजों को कंबाइन करना है, जो जोड़ देना है, जोड़ के यूज करना है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ, देखा कॉम्बिनेशन इट मींस के गाइड कर रहा है ये वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल फेस टू फेस लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। इसके पर मैं शक कर रहा हूं, टिक लगा रहा हूं और ये मेरा अपवर्ड जा रहा है। एक्सक्लूसिवली क्या है, विशेष रूप में Using technology for learning, इसमें सिर्फ technology है, तो combine क्या करेंगे, मिश्रित क्या करेंगे, ये पंगा पड़ गया। यहाँ combination हो रहा है, मुझे पता कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि दो अप्रोच अलग अलग हैं, उसको जोड़ के पढ़ाएंगे, तो ये बेटर बन रहा है यार, ये वीक बन रहा है, इसमें मिश्रित है ही नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया एक्सक्लूसिवली विशेष तौर पर। फिर इसे इस वर्ड ने मुझे गाइड कर दिया कि ये रिजेक्शन के चांसेस हैं। रिलाइंग ऑन फेस टू फेस, यहां सिर्फ टेक्नोलॉजी, यहां सिर्फ फेस टू फेस, ये भी गलत हो गया, यहां है इन दोनों को कंबाइन करना। टीचिंग मेथड दैट्स फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटीज, अच्छा ये शक पैदा कर सकता है, जिनको कंसेप्ट नहीं पता वो इसमें फंस जाएंगे, पर मुझे भी मान लीजिए पता नहीं है, और मैंने क्या किया, ब्लेंडेड का मीनिंग पता था, मिश्रित का मीनिंग का पता था, और एक ही ऑप्शन कह रही है कि दो चीजों को कंबाइन करना है। यस, द राइट आंसर इज फेस टू फेस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये अप्रोच, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर के बीच की अप्रोच है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बना के बच्चों को सेंड कर दिया कि बेटा कल हमने क्लास में फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं और ये वीडियो है 10 मिनट का, ये देख के आना है, क्लास में एंट्री तब होगी वीडियो जिसने देखा है। अब बच्चे कुछ लेके आए हैं दिमाग में, मैंने वहां टेक्नोलॉजी यूज कर ली, बच्चों के घर रूम तक पहुंच गई वीडियो और देख के आए, अब क्लास में उस फेस टू फेस जो बात होगी, दिस इज वन फॉर्म ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, बस इतना सा याद रखना है। मेरे ख्याल में लंबा हो रहा है, पता नहीं आपको वीडियो लंबा नहीं अच्छा लगेगा, दैट इज वाई मैं जल्दी चल रहा हूं, कुछ फिर जा एक्सप्लेनेशन कम कर देता हूं। खेल आधारित शिक्षा के प्राथमिक फोकस क्या है, अच्छा एक और वर्ड आ सकता है आपको एंट्रेंस टेस्ट में, गेमिफिकेशन है, ये गेम बेस्ड लर्निंग है। इट मीन्स सिंपल क्या है, गेम हम पसंद करते हैं और गेम के कुछ रूल्स होते हैं,
रूल्स होते हैं, तो गेम्स के रूल्स जो होते हैं उनको आप लर्निंग क्लासरूम में अप्लाई करते हो तो वो गेम बेस्ड लर्निंग है, इतना समझ लेना है। इनकॉर्पोरेटिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इनटू लर्निंग प्रोसेस, नहीं यहाँ गेम की बात नहीं आई, इस पर शक करूँगा, मुझे क्लियर नहीं हुआ। एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, यार डिफिकल्ट है ये भी क्वेश्चन है, नहीं पता लग रहा मुझे। यूटिलाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, इसका कोई संबंध ही नहीं आ रहा, ये रिजेक्शन की तरफ जा रहा है, बहुत वीक, सबसे ज्यादा वीक। यूजिंग गेम्स, देखिए इंडिकेशन तो है गेम सिर्फ इसी में आया, अगर आपको कुछ नहीं पता था तो आप नेचुरली इसको राइट आंसर सोचेंगे। तो यहाँ पर खेलों को एक आकर्षण और इंटरएक्टिव, यहाँ पर नहीं है, इसको मुझे रब करके आगे जाना पड़ेगा फिर पढ़ेंगे। ये रहा थोड़ा सा ऊपर, है ना, हाँ ये रहा थोड़ा सा ऊपर। खेलों को एक आकर्षण और इंटरएक्टिव शिक्षण उपकरण के रूप में उपयोग करना, ये बात बन रही है, ये बात बन रही है। अंग्रेजी के गेम्स को यूज कर रहे हो, है ना, गेमिफिकेशन में गेम्स के रूल को अप्लाई करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सच में अप्लाई होता है। और इंटरेक्टिव एंड लर्निंग टूल, लर्निंग टूल है ये, तो राइट आंसर यही है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टीचिंग पोटेंशियल का 7th क्वेश्चन है, ये रहा, ये क्वेश्चन है, पूरी ऑप्शन आ रही है, बिल्कुल है। निम्नलिखित में कौन सा खेल आधारित शिक्षा का उदाहरण है, ये क्या हो गया अभी, अभी फिर वैसा ही, इसलिए ये अरेंज किया है कि वहां कंसेप्ट लर्न किया था तो उसकी एग्जाम्पल समझ के आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ गेम बेस्ड लर्निंग, वॉचिंग एजुकेशनल वीडियो ऑनलाइन, तो वीडियो तो आप ये भी देख रहे हो, यहाँ गेम का कुछ हुआ, आप मुझे देख रहे हो कुछ गेम का अप्लाई किया नहीं, अगर मैं कहता हूं अच्छा जो इसका जवाब देगा उसको इतने अंक मिलेंगे, इसका जवाब देगा इतने अंक मिलेंगे, अगर कोई ऐसा करता है वो एरर है, उसका अंक कट जाए, अब लग रहा है कोई गेम चल रही है भाई। कंप्लीटिंग ए क्रॉसवर्ड पजल इन ए टेक्स्ट बुक, इस पर शक कर सकते हैं, ये रिजेक्ट हो गया, इस पर शक कर सकते हैं, यार ये गेम जैसा है, क्रॉसवर्ड है इन ए टेक्स्ट बुक। प्लेइंग एन इंटरेक्टिव हिस्ट्री सिमुलेशन गेम, नंबर एक इसमें गेम वर्ड आ गया, इसको मैंने टिक कर लिया। दूसरा ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर कर रहे थे, इंटरेक्टिव मीन वहां अभी मैंने बताया ना, यहां पर जाके ये इतना इतना सा समझ लीजिए, यहां पर जाके फॉर एग्जांपल, हाँ यही था, बहुत अच्छा हो गया, यहां पर ये रहा, ये है वन वे, इंटरेक्टिव नहीं है, वन वे है। और दूसरा है कि मैंने बच्चों के ऐसे तीन तीन बच्चों का ग्रुप बना दिया, ये इंटरेक्शन कर रहे हैं आपस में, ओके। जो भी ऑप्शन इंटरेक्शन वाला होगा, टू वे कम्युनिकेशन का होगा, बेशक वो टीचर और स्टूडेंट की हो, जैसे ये वन एक तरफ है, अगर ये एरो इधर से भी हो, बच्चा भी पूछ रहा है, बात कर रहा है, जिसे आप क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, है ना, तो ये जो ऑप्शन है हमेशा ही बेटर रहेंगे, ये बेटर लर्निंग है, ये राइट ऑप्शन की तरफ आपको लेके जाएंगे। यहां टू वे प्रोसेस है, सिंगल वे प्रोसेस को आपने जो है डिस्करेज करना है, वो अच्छी एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अच्छा साबित नहीं हुआ अब तक, रिसर्च कह रही है। तो इंटरेक्शन में बच्चे भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बच्चा टीचर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, अच्छा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ बच्चा इंटरेक्ट कर सकता है, मोबाइल है, गेम है, क्लासरूम में आप दे सकते हो, तो ये इंटरेक्शन की बात है। यहां पर पॉजिटिव क्या है कि इन्होंने वर्ड यूज किया इंटरेक्टिव, दैट इज वाई मैं वहां रुक गया और वहां गया, ऐसी वो जो कंसेप्ट समझाया उस तरह का अगर कोई ऑप्शन लगे तो राइट की तरफ जाना है, वन वे वाले को रॉन्ग की तरफ लेके जाना है। हिस्ट्री ऑफ सिमुलेशन गेम, है ना, नकली एनवायरमेंट में जो गेम अप्लाई की जाती है, तो अभी तक का बेस्ट आंसर यही बन रहा है। टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, कोई संबंध ही नहीं है गेम से, तो राइट आंसर इज दिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रहा हरे कलर वाला। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट ईश्वर भाई पटेल कमीशन, वैसे कमेटी है, तो ये अब नॉलेज बेस्ड आ गए, वो समझने वाले थे, वो समझ लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये समझना ही पड़ेगा, इसका कुछ नहीं बताने वाला भाई, ईश्वर भाई जो है 77 में, है ना, इसका राइट आंसर है। तो आप इसको ना मेरे ख्याल में पापा का जन्म इसी के इर्द गिर्द हुआ, किसी के जन्मदिन है उसके साथ जोड़ सकते हो, ईश्वर भाई किसी के साथ भी अपने पर्सनल रिलेशन के साथ जोड़ लो कि 77 में वो हुआ था, अदरवाइज
करूंगा, पटेल उठाया और ये उठाया और इसका ऐसे दो बार कर दिया कि 77, ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, हु होल्ड्स द मोस्ट क्रूशियल रोल इन स्कूल स्ट्रक्चर, कौन, स्टूडेंट्स, अब भी ये कंफ्यूज करेगा, टीचर, एजुकेशनल कमेटी चेयरमैन, हेडमास्टर, रियलिटी में तो कुछ और है, तो मोस्ट क्रूशियल रोल क्या है, तो इसमें आप क्या सोचते हो, यहाँ पर डिस्कशन हो सकती है, आप ये भी सोचोगे यार स्टूडेंट इन द सेंटर, तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, आपको लगा यार ये भी है टीचर भी है, अच्छा यार कमेटी सबसे, चेयरमैन तो सबसे ऊपर आता है, सबसे के पावर ये है, फाइनेंशियल पावर इसके पास है ना, है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसके पास, हेडमास्टर एकेडमिक ये जो सारा देख रेख करता है, दूसरे भी वैसे काम करता है, अब तो कन्फ्यूजन हो गए, सभी क्रूशल लगते हैं, लेकिन आप दोबारा जाओ और देखो कि स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यहाँ भी स्ट्रक्चर है, वहाँ पर रिलेशनशिप की बात होती है, तो स्ट्रक्चर को ऐसे करेंगे, यहाँ पर आ गया चेयरमैन, ये चेयरमैन सी एच पालिया, यहाँ पर आ गया हेड, और यहाँ पर आ गया टीचर, और लास्ट में नीचे जो हैं स्टूडेंट्स है, अब मोस्ट क्रूशियल कौन सा हुआ, अगर चेयरमैन का काम एकेडमिक नहीं है, स्ट्रक्चर में है लेकिन एकेडमिक नहीं है, रेगुलर काम नहीं है, हर वक्त स्कूल में नहीं वो बैठा रहता, तो इसको सोच के आपने यहां डिलीट कर दिया, तो स्कूल स्ट्रक्चर में बाकी टॉप का कौन बचा, हेड, क्योंकि स्कूल स्ट्रक्चर है, तो स्कूल में कौन है, अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो आप टीचर या स्टूडेंट सोच सकते हो, वर्ड के मुताबिक स्ट्रक्चर सोचा है, दैट इज वाई राइट आंसर, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपने ये वर्ड को समझना है कि इसमें क्या है, एवरी सिटीजन इज अलाउड टू इम्पार्ट एजुकेशन एज हिज रिलीजन, मतलब सभी, कोई भी है उसका कोई भी रिलीजन है तो वो एजुकेशन दे सकता है ना, प्रदान करने की अनुमति है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है, हाँ कंकरेंट लिस्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, कंकरेंट लिस्ट मतलब कि जो एजुकेशन है वो उस पर कानून बनाना है, वो स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है, ये क्वेश्चन आएगा पिछले वीडियो किसी ना किसी में, मोस्ट कॉमन है कि एजुकेशन एज ए कंकरेंट लिस्ट, ये राइट आंसर होता है, तो यहाँ तो एग्जांपल दी है और इस एग्जांपल को कौन सी जो है जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्सप्लेन करता है, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये तो कह सकते हैं कि ये राइट्स हैं, ये लग रहा है कि यार सभी ये कर सकते हैं, क्या डेमोक्रेटिक राइट वर्ड आ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बात समझ लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये हैं कि स्टेट को, देश को ये डायरेक्शन दी गई हैं कि ये वाले भले वाले काम करने हैं, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात थी कि छोटे 6 से 14 साल के बच्चों को आपने एजुकेशन प्रदान करनी है, ये राइट टू एजुकेशन से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 45 में था, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, आर्टिकल 45 में था ये आंसर आएगा, अगर आपको ये पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन से पहले ये एजुकेशन कहाँ था ना, एक्सप्लेन यूनिवर्सलाइजेशन किस में आती थी, इसमें आती थी कि कितने साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को, अब राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट बन गया है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर स्टेट ऐसा नहीं करती कि ये एजुकेशन के लिए वो कोई कोशिश नहीं कर रही, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता कि यार मुझे एजुकेशन के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है, डायरेक्शन है सिर्फ, निर्देश है, करना है उसकी मर्जी, नहीं करना उसकी मर्जी, जब ये हो गया कि यार अगर नहीं मिला तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो वो बन गया फंडामेंटल राइट, तो डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है, दिस इज बेस्ट ऑप्शन एंड राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है लर्निंग इज द मदर टंग, लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प इन स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट, समझ नहीं लगा ना, जो यहां से पढ़ लेते हैं, समझ तो लग गया लेकिन मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, ये मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जाता है उसे डैश करने में मदद मिलती है, अब समझ आ गया, लर्निंग इन दी मदर टंग हेल्प्स ए स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी पंजाबी मातृभाषा है मुझे उसमें सिखाया जाता है तो वो क्या करने में हेल्प करती है,
व्हाट इज बीइंग टॉट, जो उसे पढ़ाया गया है क्या करने में, यहां इंटरप्रेट करने में, व्याख्या करने में, जो पढ़ा है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्रिएट करने में कुछ, रिप्रोड्यूस करने में, दोबारा पैदा करना है उसको, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, बच्चा फिर उसको पैदा कर रहा है, मैंने ऐसे ऐसे एक्शन किया तो बच्चे को कहा चलो भी ऐसे ऐसे डांस में एक्शन करो, ये रिप्रोडक्शन है। हाँ, तो रिप्रोडक्शन एक तरह का कॉपी, रिप्रोड्यूस दोबारा उसी चीज़ को पैदा करना, ईजीली कॉम्प्रीहेंड आसानी से समझ में आना, ईजी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इसमें से सारे में से क्या है। अगर आपने राइट दो चूज करने हैं तो आप मेरे ख्याल में, अगर आपका ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड है, आप इंटरप्रिटेशन में जाओगे और समझ में जाओगे। पर मदर टंग को क्यों हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्रीहेंड, क्योंकि हमें समझ ज़्यादा मदर टंग में आती है। जो लोग सिर्फ मदर टंग तक ही सीमित रह जाते हैं, दूसरी लैंग्वेज नहीं कर पाते थे, वो भी आगे नहीं बढ़ पाते, ये बात समझ लेना। तो ये ह्यूमन की कैपेसिटी है, एक नॉर्मल आईक्यू वाला स्टूडेंट जो है, आप भी टीचर हो, बनने वाले टीचर हो, तो आप कम से कम 3 लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकते हो, ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा आईक्यू वाले ज़्यादा में कर सकते हैं। तो ये समझने की बात है, सो दिस इज दी राइट ऑप्शन। अब जो इंग्लिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंग्लिश जो है टीच करनी है, उसके लिए क्या ही दिया गया है कि बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल मीन एक तो इंग्लिश बोलोगे, दूसरी उसकी मदर टंग, दोनों इकट्ठे बोल के उसको समझाओ, जल्दी समझ आएगी। तो ये तो वर्ल्ड के सारे कमीशन सभी में इसने तो बहुत जोर दे दिया है। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ निपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद कर लेना है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अब न्यूपा बन चुका है यूनिवर्सिटी, तो यू हो गया ना। तो ये व्हाट इज द करंट स्टेटस, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, द राइट आंसर इज मान्यत विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस है। नेक्स्ट चलते हैं हम, 13वां क्वेश्चन है, टीचर शुड केयरफुली प्लान एंड विजुलाइज द यूज ऑफ एड मटेरियल। एड मटेरियल क्या है, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, है ना, मॉडर्न जो ऑडियो विजुअल एड है, तो ये बेस्ट उसकी एग्जांपल है, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल जो मैं यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब पर सारे यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया, और भी टेक्नोलॉजी है, कोई इधर को बैठा है, यहाँ मैटर डिस्प्ले हो रहा है, तो वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं। क्या करना है, केयरफुली टू प्रोड्यूस इफेक्टिव सिटीजन, टीचर शुड केयरफुली प्लान एंड विजुअलाइज द यूज ऑफ एड मटीरियल, ये इतनी बड़ी बात है, क्लासरूम में यूज होना है, सिर्फ क्लासरूम में, क्लासरूम में सीधा इफेक्टिव सिटीजन बना देंगे। सिटीजन बनाने के लिए आपको सिटी में, मतलब स्टेट में, मतलब कम्युनिटी में, मतलब रियल सिचुएशन में लाना पड़ेगा, क्लासरूम से बाहर लाना पड़ेगा, बड़ा कुछ है सिटीजन के लिए, ये छोटा है। एड तो क्लासरूम में मोस्टली यूज होनी है, आफ्टर इट्स एक्चुअल प्रेजेंटेशन, नो, बिफोर इट्स एक्चुअल प्रेजेंटेशन, ये एक नुक्ता बता रहा हूँ, जहां भी दो विरोधी ओपोजिट ऑप्शन मिले उन पर फोकस कर लो, वो सी में राइट आंसर होता है। यहां पर आफ्टर इट्स एक्चुअल प्रेजेंट, बिफोर इट्स एक्चुअल प्रेजेंटेशन, ये एक दूसरे के विरोधी है, इट मीन जल्दी से इनको डिलीट कर सकते हो, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट, ये निकल गए, इसमें से राइट आंसर है। जहां तो और विजुअलाइजिंग आप बाद में करो, पहले बाद में करोगे या पहले करोगे, अब आप वापस इसमें जाओ कि प्लानिंग पहले होती है, एक्टिविटी करने के बाद होती है कि पहले होती है, पहले होती है, तो पहले यहां लिखा हुआ है, बिफोर यहां लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले सी इज राइट आंसर। वर्ड एक प्लानिंग ने ही आपको गाइड कर दिया था, विजुअलाइज बेशक नहीं कर सका। ए टीचिंग एड प्रूव्स इफेक्टिव ओनली व्हेन, सेंट्रल कंडीशन क्या है कि टीचिंग एड इफेक्टिव होती है, इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द अबव एवरेज ग्रुप ऑफ लर्नर। देखिए क्या गड़बड़ कर दी, इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक कैटेगरी ली, द अबव एवरेज
अबव एवरेज ग्रुप। अब बच्चे जो है हाई इंटेलिजेंट भी है, एवरेज भी है, लो भी है, अच्छा वेरी लो भी है, वेरी हाई भी हो सकता है कोई बच्चा। ये मेनली तो तीन कैटेगरी होती है हर क्लासरूम में। तो आप सिर्फ इनके लिए करोगे, इट मींस इनको निकाल दिया, ये एक्सक्लूजन हो गया। ये नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन शामिल करना है सभी के लिए जो हो, ठीक है। जो डिफरेंशिएटेड एजुकेशन लर्निंग की थी तो वो सभी बच्चों की नीड के डिफरेंस पर बेस्ड लेसन प्लान था। यहाँ इट सूट्स टू द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। अगर इंटरेस्ट से पहले ही एड का काम है इंटरेस्ट क्रिएट करना, अगर पहले ही इंटरेस्ट से रिलेटेड है, हाँ ये भी है पार्ट अच्छा है। जैसे मैं ना क्लासरूम में अभी तक मैं कम से 29 वीडियो मूवीज जो है, तारे ज़मीन पर है, थ्री इडियट्स है, आई एम कलाम है, ऐसी कई मूवीज है क्लासरूम में। बीएड को मैं उन्हीं से मोस्टली पढ़ाता हूँ, तो वो इंटरेस्ट होता है मूवी में। यहाँ मैं ऑप्शन ये यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ बेस्ट आंसर नहीं बन रहा, यहाँ पर ये नॉर्मल आंसर छोटा सा टिक लगाऊंगा। इट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द बैकवर्ड लर्नर, बिफोर द बैकवर्ड लर्नर। अब क्या हो गया कि ये लोअर लेवल के बच्चों को, लो या वेरी, इनको प्रेजेंट करना एक कैटेगरी होगी, हाई वालों को छोड़ दिया। तो ये भी वन साइडेड है, ये भी पार्शियल, ये भी पार्शियल रिजेक्ट हो गया। इट सूट्स टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव, द बेस्ट 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 टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जो आप करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, है ना, तो उसके साथ बिल्कुल मैच करता है। दिस इज बेस्ट एंड राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। मैंने वो टर्म को अंडरलाइन या सर्कल करता हूँ जो आपको राइट आंसर या रॉन्ग आंसर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा का उद्देश्य, विदाउट सूटेबल करिकुलम, एम्स ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव, नहीं अच्छा चाहिए, विद सूटेबल करिकुलम चाहिए, कैन नॉट बी अचीव, हाँ यस कैन नॉट बी अचीव, ये राइट आंसर है। कैन बी चेंज्ड, ये नॉर्म और ये ही है, इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यहाँ हिंदी में भी, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार को जिम्मेदारी कौन सी लेनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन की, सेकेंडरी की, रिलीजियस एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सोचो, रिलीजियस एजुकेशन की जिम्मेवारी तो है ही नहीं है ना, ये तो पर्सनल वो फंडामेंटल राइट में आ गया, अपने अपने रिलीजन को प्रचार करो, जो मर्जी करो, फ्री हो जी आप। अब आ गया प्राइमरी बेसिक, टेंथ तक का सिलेबस जो है मोस्ट जनरल पढ़ाया जाता है, उसके बाद 10+2 में आप चूज कर सकते हो, उसमें चूज किए हुए में बीए ग्रेजुएशन में और चूज कर सकते हो, उनमें से चूज करके आप फिर मास्टर डिग्री करते हो। देखा आप मोस्ट जनरल से, जनरल से मोस्ट स्पेसिफिक की तरफ बढ़ रहे हो, स्पेसिफिक पूरा नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूं, स्पेसिफिक की तरफ बढ़ रहे हो। तो स्पेसिफिक पर ज्यादा जोर दोगे जहां मोस्ट जनरल पार्ट ऑफ लाइफ है, बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक एटीट्यूड डेवलप करने हैं, बेसिक वैल्यूज डेवलप करनी है, तो मोस्ट जनरल पर ध्यान दोगे। दैट इज व्हाई प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज व्हाई यही क्वेश्चन भी ज्यादा इसी पर आएंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यू एजुकेशनल टेलीविजन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ऑडियो विजुअल रिसोर्स सेंटर है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये पूछी जाती है नॉर्मली, ये इसके इसमें ऐड कर लीजिए। विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एंशियंट इंडिया, नालंदा, टैक्सला, विक्रमशिला और तक्षशिला, कौन सी यूनिवर्सिटी? नॉर्मली हमने तक्षशिला और नालंदा की बात सुनी होती है, तो इट मीन्स राइट आंसर इसमें से ही होगा। तो इसमें से और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसकी डिटेल थोड़ी सी यहाँ देख लीजिए, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी जो एडी में है 425 ओके 1205 एडी तक, और ये तक्षशिला है बीसी में है ना, बिफोर क्राइस्ट 600 ये बुद्ध के इर्द गिर्द होगी शायद, और 500 तक रही है। तो तक्षशिला सबसे पहली और पुरानी यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 800 है ना, तो हर यूनिवर्सिटी पर सब्जेक्ट का डिफरेंट ये वीडियो होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट की
स्पेशलाइजेशन होती थी। तो इंटरनेशनल जो सेंटर रहा है इंडिया, विच अच्छा ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो डिस्टेंस है उसमें फेस कहाँ से आ जाएगा भैया, फिजिकल क्लासरूम सेटिंग फिजिकल कहाँ से आ जाएगा भैया, सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन, ये आपको कंफ्यूज करेगा भैया, सिंक्रोनाइज है, फॉर एग्जांपल ये मैंने, ये मेरे पास मोबाइल है, आपने वो वॉइस मैसेज करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं वो उसको क्लिक करता हूँ तो मैसेज चले जाता है, तो मैसेज मैंने उनको ये अब किया, ठीक है, तो अब कितने बजे हैं, मान लीजिए 10 बजे हैं, और वो उन्होंने सुबह 9 बजे जाकर देखा, है ना, 11 घंटे बाद देखा 9 बजे, तो ये क्या हो गया, एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, मैंने जब बात की उसी वक्त उन्होंने नहीं सुना, साथ साथ में नहीं सुना, उन्होंने बाद में अटेंड किया, उन्होंने मैसेज मुझे 2 घंटे बाद दिया, फिर मैंने देर, ये एसिंक्रोनाइज, जो दो कम्युनिकेटर हैं वो एक टाइम पर इकट्ठे नहीं हैं, सिंक्रोनाइज में कम्युनिकेशन में क्या है, आप फोन करते हो, अभी फोन कर रहे हो, हाँ क्या क्या, यस, वो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, अब ये वीडियो है, ये एसिंक्रोनाइज है या सिंक्रोनाइज है, आपने ये बताना है, मैं अभी डालूंगा, अपलोड करूंगा, और आप कब देखोगे, अगर ये डिफरेंस है आप खुद बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सॉल्व कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या रेलेवेंट है कि सिंक्रोनाइज एक ही वक्त पर सभी जो टीचर और स्टूडेंट वो शामिल होंगे डिस्टेंस एजुकेशन में, नहीं, स्वयं प्रभा के 34 चैनल्स हैं, हर क्लास के लिए एक है, 12 क्लासेस के लिए 12 चैनल डेडिकेटेड हैं, ये क्वेश्चन के आंसर बनते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि जो जब वीडियो डाले गए हैं तो बच्चा बेशक 2 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 10 दिनों बाद देखे, एसिंक्रोनाइज है, तो ये वाला भी गलत हो गया, अब ये गलत ही हो गया, तो भैया राइट आंसर यही होगा ना, जियो फिजिकल सेपरेशन, कि आप यहाँ हो और बच्चे कहीं पहाड़ी पर, रेगिस्तान में, जंगलों में, कहीं सी रिमोट एरिया में है, तो दैट इज सेपरेशन, द सेंट्रल आइडिया इज दिस। 19वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ओपन स्कूलिंग रेफर, है ना, हिंदी में भी इधर ऐसे कर लेते हैं, हिंदी वाले भी समझ लेंगे, ये 18वां आ गया, 19वां ये रहा, लर्निंग इज दैट इज रिजिड एंड फिक्स्ड इन टर्म ऑफ शेड्यूल, ओपन, अब ओपन है तो उसका पहला प्रिंसिपल ये, रिजिड कुछ नहीं होगा, रिजिड है तो वो वीक ऑप्शन है, इसको काट दो, फिक्स्ड है तो उसको वीक ऑप्शन, डाउन ऑप्शन वाली ले आओ, है ना, मैंने काट ही दिया, लर्निंग अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी ओनली रेगुलर क्लासेस, ये ओनली मैंने देखा और मैंने इसको काट दिया कि रेगुलर क्लास में थोड़ी ओपन है, तो रेगुलर क्लास के तो बिल्कुल ऑपोजिट है, ये है लर्निंग दैट इज फ्लेक्सीबल, देखा ये ऑपोजिट, इसमें राइट आंसर छुपा हुआ, ये छोटा सा टिक लग गया, इन टर्म ऑफ शेड्यूल टीचिंग रोल्स लोकेशन एंड असेस, हाय रब्बा मेरे, हाय मेरे मालिक जी, ये क्या है, लर्निंग इज फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ शेड्यूल, मैं किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो, आपका आप बच्चा मजदूरी करता है वो शाम को 5 बजे के बाद पढ़ना चाहता है तब पढ़ ले, अच्छा रोल टीचिंग रोल, आपका रोल कई तरह का होता है ओपन में, है ना, यहाँ पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, लोकेशन जियो फिजिकल लोकेशन, आप कहाँ वो कहाँ बैठे हैं, असेस पहुँच जाए, जो मैटर है वहाँ तक पहुँच जाए, तो एक जो कंसेप्ट है डिजिटल डिवाइड का, डिजिटल डिवाइड पर क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड राइट आंसर होगा, डिजिटल डिवाइड क्या है, जो रिमोट एरिया में रूरल में बैठे हैं बच्चे, उन तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंची, तो आप कह रहे हो कि बहुत डेवलपमेंट होगी, कहाँ होगी, मतलब लेस देन 10% से भी कम स्कूल्स में अभी तक जो है ICT पहुंची है इंडिया में, तो बाकी के स्कूलों में नहीं पहुंची, तो ये डिफरेंस नहीं है, तो ये डिजिटल डिवाइड है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा बच्चे नहीं ले सके, उनके उनको जो ब्रिज बना के उनको तक भी पहुंचाना है, तो ये स्वयं प्रभा, ये MOOC, ये वो काम कर रहे हैं स्वयं, ये प्रोग्राम जो डिजिटल हैं, अच्छा लर्निंग दैट फोकस ऑन फॉर्मल एजुकेशन, ये फॉर्मल यहाँ गलत हो गया, दैट इज वाई राइट आंसर हमारा ये है, बेस्ट आंसर आ चुका है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बढ़िया आसान तरीका बताने लगा हूँ, 20वां है ये, हाँ तो आपने क्या करना है, आपने
टेक्निकल उठाओ और एजुकेशन उठाओ, जल्दी से देखो यूजीसी, इसमें टीई नहीं आ रहा, एआईसीई, इसमें टीई नहीं आ रहा, आ रहा है भाई, इट मीन्स राइट आंसर ये होगा, टिक हो जाएगा, इसमें टीई नहीं है, इसमें टीई नहीं है, टी यहाँ, ई यहाँ नहीं है, आर का मतलब मोस्टली रिसर्च ही होता है, ये आईसीएसएसआर, तो सिर्फ इसमें राइट आंसर होगा ए आई सी टी ई। इनकी फुल फॉर्म सभी की आ सकती हैं, वो अलग से वीडियो बने हुए हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, विच पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हेल्प टीचर टू अडेप्ट द डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड। हाँ, डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड है, जो बच्चों के पिछले बात करके आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड है, कोई बच्चे की फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी की आंखों की प्रॉब्लम है, कोई वैसे वीक है, रीडिंग वीक है किसी की, कोई एडवांस है, तो मेरे ख्याल में आंसर साफ ही मिल गया है, जो करैक्टरिस्टिक्स टीचर का कौन सा करैक्टरिस्टिक्स हो, वो रोज़ क्लास में आता है, लेकिन क्लास में आता है बच्चों की नीड को तो देखता ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अथॉरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए, इनडिफरेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसका, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये तीनों गलत हो गए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के मुताबिक हो गया, अपनी लाइफ में भी यार ये बन जाओ, मेंटल हेल्थ अच्छी बन जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाओ, रिजिड ना बनो, अपने रूल्स जो हैं एमरजेंसी में चेंज कर लो, रूल्स को एमरजेंसी में चेंज कर लेना चाहिए, पर्पज भला होना चाहिए, आपका भी उनका भी, तो चेंजेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, आप ठीक रहोगे, अच्छे रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल, टू असाइन स्पेसिफिक टास्क टू टीचर। अच्छा, टास्क तो यार देना है, लेकिन ये पार्शियल हो गया ना, ये पार्शियल हो गया, ये यस है लेकिन निका छोटा टिक है, एलोकेट टाइम फॉर द वेरियस सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज। अब ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, वेरियस सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, यस, एक्टिविटीज कर लिए, यस, यहाँ पर टीचर है सिर्फ, तो ये बड़े टिक दो लग रहे हैं, ये छोटा सा एक है, टू डिटरमाइन स्टूडेंट अटेंडेंस, वेरी वीक, ये क्वेश्चन मार्क वीक है, टू शेड्यूल पेरेंट टीचर मीटिंग, वेरी नैरो, और बेस्ट आंसर ये है, राइट आंसर भी यही होगा। 23rd क्वेश्चन है, आगे चल जा भैया, चल तू चल, 23rd, चलो भैया, चलो 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 चलो, टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटी इन हर टीचिंग बिकॉज दे, ये सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, एग्जैक्ट डाल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटिलाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस क्या है, आंखों को भी यूज कर रहा है, स्किन को भी यूज कर रहा है, कानों को भी यूज कर रहा है, टंग टेस्ट को भी यूज कर रहा है, कोई चीज दिखा रहा है, बेटा इसको टेस्ट करके देखो, इसका कलर देखो चेंज हो रहा है, लेबोरेटरी में क्या होता है, मल्टी सेंसरी अप्रोच, ये वो बात कर रहे हैं, ये अभी तक का बेस्ट ऑप्शन बन रही है। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, नहीं ये नैरो हो गया, वीक है। फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, सिर्फ असेसमेंट है, फैसिलिटेट अगर होता टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो ये बेस्ट हो जाना था। प्रोवाइड ए डाइवर्जन टू लर्नर, नहीं, तो बेस्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस को यूज करना। व्हाट टाइप ऑफ स्टेट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड, सोशलिस्ट स्टेट, वेरी गुड क्वेश्चन, सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, रिपब्लिक स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारे सिलेबस में है, उसमें से एक क्वेश्चन है, तो बेस्ट कौन सा लग रहा है, तो ये तो सारे ठीक है, लेकिन रिपब्लिक इज द बेस्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट है, टर्म सोशलिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज द फुलफिलमेंट ऑफ सोशलिस्ट गोल थ्रू विच मैथड, अथॉरिटेरियन मेथड, अगर अथॉरिटेरियन समझ नहीं आते तो सत्तावादी तरीके, ये तो रिजिड है, पावर वाले हैं, ये थोड़ी हो गई यार, हाँ डेमोक्रेटिक ठीक है, यस ये अच्छा है, ये अच्छा है, रेवोल्यूशन, क्रांति, चेंज ला देंगे, बदल देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है भैया, कैपिटलिस्ट जहां पर पूंजीवाद, अमीरवाद जहां पर अमीर लोगों का राज है, तो सोशलिस्ट मीन के डेमोक्रेटिक, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 26th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट,
ये है ना आपको बीएड के बाद जरूर आएंगे, यहाँ आ भी सकता है नहीं आ सकता। अगर इसका याद रखना है रीइन्फोर्समेंट का, आप यहाँ वैसे यह बल प्रदान करना इसका है, सुदृढ़ीकरण बल प्रदान करना है, सुदृढ़ीकरण इसका है। तो इसका सिंपल सिंपल बात ये समझो कि मोटिवेट करना, यहाँ पर ये समझना है आपने, मोटिवेट करना। तो पॉजिटिव मीन कि कोई चीज़ बच्चे को ऐसे देना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को शाबाश दी, टॉफी दी, अब मैं कुछ दे रहा हूँ, कुछ दिया तो बच्चा वो टॉफी लेने के लिए फिर काम करेगा, ये पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है। इतनी और कुछ ना याद रखो, टॉफी देनी, चॉकलेट देनी, रिवार्ड देना, स्टार देना, शाबाश देनी, हग देनी, स्माइल देनी, जो बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव अच्छा लगता है, एंजॉय वाला। सो रिसीविंग ए बॉन्स फॉर द कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट, बच्चे ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो उसको एक बोनस प्राप्त हुआ, यस ये दिखाई दे रहा है अभी, बोनस प्राप्त हुआ, ये प्राप्त होना कहाँ है, बोनस रिसीव किया है ना उसने, प्राप्त किया, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पॉजिटिव है। रीइन्फोर्समेंट क्या है कि वो प्राप्त करने के लिए दोबारा वो काम करेगा, है ना। बीइंग स्कॉल्ड ये तो नेगेटिव है, झिड़कें पड़ी उसको भाई, कहाँ है, डांटा गया, डांटना नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया, नहीं है। लूजिंग, यहाँ लूजिंग नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। बीइंग इग्नोर्ड, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इग्नोर्ड मीन जीरो, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो पॉजिटिव एक ही बच रही है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर तो फिर भी आप ऐसे सोच के राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव मेड एजुकेशन फंडामेंटल राइट, आपको पता है राइट टू एजुकेशन बना, तो ये क्वेश्चन है कि इंडिया कौन कितनवा कंट्री था, तो टोटल अब तक कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने राइट टू एजुकेशन दे दिया है। आंसर इज 135। अगर ये पूछा जाए कौन सा कंट्री है, 135th कंट्री है इंडिया जिसने राइट टू एजुकेशन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड, लिंगुआफोन, मैप्स, एपिडास्कोप, फ्लैश कार्ड। अब प्रॉब्लम है कि मैप्स, मानचित्र, ये ऑडियो मेन यहाँ कानों से काम लेना है, वो बोलेंगे हम सुनेंगे, मैप्स को तो देखना है, आंखों से काम लेना है, यहाँ आंखें बन गई है ना तो ये फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड होता है एक छोटा सा, इतना बड़ा कार्ड एकदम दिखाना बच्चे को, कोई मीनिंग कराना है, फॉर एग्जांपल वो वर्ड मीनिंग करा रहे हो, आपने उससे रिलेटेड एक पिक्चर लाए हो, बच्चों को एकदम दिखाई है, बेटा ये देखो, बच्चे देखते हैं, इमेज बनती है, तो फिर उसको अप डाउन कर लेते हो थोड़ी देर के लिए, फ्लैश मीन थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ दिखाते हैं, तो ये भी दिखाने वाली है, आंखों का काम है, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए। अब राइट आंसर यहाँ तो लिंगुआ फोन में है या एपिडायस्कोप में है, प्रॉब्लम ये है कि एपिडायस्कोप का मतलब नहीं पता। अब एपीस्कोप एक डिफरेंट था, डायास्कोप, उसको दोनों को मिला दिया, अभी दिखाता हूँ। तो ये आप लिंगुआ से जज कर सकते हो कि लैंग्वेज से और ऑडिटरी से, इससे आप तुक्का लगा सकते हो, वो होता क्या है, ये लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए है, लेकिन ये अभी यूज़ नहीं होता, अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अभी पता नहीं इस पर क्वेश्चन क्यों आते रहते हैं, फिर भी आप ये देख लीजिए, ये लिंगुआ फोन है। लिंगुआ फोन का काम क्या है, ये रहा काम के लिंगुआ फोन इज ए ग्रामोफोन स्पेशली डिजाइन टू हेल्पिंग चिल्ड्रन लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे करना है, एंड अदर साउंड्स, है ना, साउंड से रिलेटेड है, तो ऑडिटरी वो वाला काम जो है, क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था कि ये ऑडियो है ना साउंड से रिलेटेड है, तो ये मैच कर रहा है। बाकी आप यहाँ से रीड कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं है, मैं वो एड इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि ये ऑड है, नॉर्मली ये सुनी नहीं होती, तो बाकी तो ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है, दूसरा जो एलसीडी प्रोजेक्टर है मोस्टली यूज़ होते हैं, ये आप अपने सामने इमेज रखना, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, तो ये पुरानी में आ रहे हैं, तो ये है एपिडायास्कोप। एपिडायास्कोप में तो क्या है कि इसके ये बल्ब है, यहाँ से ये प्रोजेक्शन, यहाँ दीवार है, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्ट करता है, वहाँ इमेज दिखाई देती है, यहाँ इसके पीछे मैं मान लीजिए मैंने एक ट्रांसपेरेंसी रख दी तो ये प्रोजेक्ट कर देगा। इसकी विशेषता पता क्या है, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट दोनों ही वस्तुओं, ओपेक
इसका नाम ओपेक प्रोजेक्टर भी है, ओपेक आगे जाके समझा देता हूँ, ओपेक प्रोजेक्टर भी इसको कहा जाता है, एपिडायस्कोप भी कहा जाता है। और इस पर अगर नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप कुछ डिज़ाइन नहीं किया, बुक में एक बहुत अच्छी इमेज है, डायग्राम है, आप दिखाना चाहते हो, आपने वो बुक का कागज़ जो है, जब बुक है रखी, डिस्प्ले हो गया दीवार पर, तो ओपेक मीन ट्रांसपेरेंट भी, ट्रांसपेरेंट भी और नॉन ट्रांसपेरेंट, ओपेक में का मीन नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए एपिडायस्कोप है। जैसे ये क्लियर नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो रही है इमेज ये दीवार पर, तो ये एक तरह का प्रोजेक्टर है पुराना, एपिडायस्कोप टाइप ऑफ ओपेक प्रोजेक्टर है ना, है जो 20वीं सदी में डेवलप किया गया था। इसका काम क्या है, कैन प्रोजेक्ट इमेज बोथ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, ओपेक मीन नॉन ट्रांसपेरेंट इमेज। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द एक्ट मेकिंग एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट कम इनटू फोर्स, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत, कि बना कब था, 2009 में, एक साल बाद अप्लाई हो गया, इतनी बात याद होगी कि 2010 है, अच्छा यहाँ 10 की एक ही एग्जाम्पल है, वेरी गुड, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट है ना, ऐसे लिखते हैं 2009, तो एक साल बाद अप्लाई हो 2010 में, यहाँ पर 2010 की एक एग्जाम्पल है, लेकिन याद भी रखना है 1 अप्रैल, ये ऐसे पूरा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्यों रिपीट होता है इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं इंपॉर्टेंट, नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस एग्जामिनेशन, कुछ भी ऐसे वर्ड साथ में जोड़ा जा सकता है, ये वाला भी देख लें है ना। तो ये क्या होता है, ये बात है कि नॉर्म को याद रखना है, जब ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, नॉर्म यहाँ पर लिखा नॉर्म, वीडियो लंबा हो गया है ना, बोर हो गए होगे, सॉरी यार, मैं बोर नहीं जिंदगी में किसी को करना चाहता, हाँ चलो काट देना आप, ये रहा कि मैंने लिखा नॉर्म, ये यार फीका है, ये वाला लिख लेते हैं, नॉर्म 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 है ना, नॉर्म के ओ को याद रखना, ओ से लिख लो अदर्स, अदर्स, ठीक है। ये रहा बच्चा जिसका आपने टेस्ट लिया था, मान लीजिए आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट आया और आपके मार्क्स आए 120 है ना, जब आपको कहा गया कि देखो कि आपकी अदर्स के साथ जिन्होंने टेस्ट दिया था उनसे कंपेयर करना है, कंपैरिजन होगा, कंपेयर, उनसे कंपेयर करके ये देखना है कि आपकी पोजीशन क्या है, रैंक क्या है, रैंक होगा ना, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो गया, ठीक। तो अगर ये कहा जाए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यही टेस्ट है, उसी टेस्ट में को नॉर्म रेफरेंस भी बोला जाएगा, जब ये क्वेश्चन है कि आपका कंपैरिजन दूसरों से किया जाता है, जब मेरिट है, रैंक है, पोजीशन है, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ये कहती है कि बेटा आपने अगर एडमिशन लेना है तो मिनिमम 25% मार्क्स आपको लेने होंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके 25% मार्क्स ले लिए हैं, अगर यस या नो, मतलब जो पास एंड फेल हम करते हैं, 33% इस क्लास में से ले लिए हैं, हम ये कहते हैं, ये वो वाला है, वो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, अपने सिलेबस में है, ऐसे नहीं करवा रहा हूँ है ना, असेसमेंट एवेल्युएशन, नॉर्म का ओ याद रखो और दूसरा इसके ओपोजिट है क्राइटेरिया, पर क्राइटेरिया का याद रखना है तो आप पास फेल याद रख सकते हो। आगे चलते हैं वापस, तो ये हो गया नॉर्म रेफरेंस, अब देखना है राइट आंसर कौन सा है। स्टूडेंट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस, नहीं जो देखो भी बच्चा कितने मार्क्स ले गया, ना कंपैरिजन किया, ना क्राइटेरिया से कंपैरिजन किया, अदर से भी नहीं, क्राइटेरिया से भी नहीं, इसका रॉन्ग हो गया। स्टूडेंट रिलेटिवली परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू दियर पीयर्स, है ना, यहाँ वहाँ मैंने अदर्स कहा था तो यहाँ अदर्स का वर्ड पीयर्स आ गया, तो ये राइट आंसर दिखाई दे रहा है। टीचर सब्जेक्टिव जजमेंट, नहीं सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं है, ऐसे टाइप क्वेश्चन में होती है। स्टूडेंट्स एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट, नहीं है, राइट आंसर इज दिस। मेरे ख्याल में दैट्स ऑल, 30 क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसे और सीरीज है, लिंक नीचे दिए गए हैं, देख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।